बदायूं में सरकारी स्कूल में पढ़ने गया कक्षा 4 का छात्र अचानक स्कूल से लापता हो गया। 6 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने सदर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस छात्र को तलाश कर रही है। बदायूं के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला कबूलपुरा में अबरार का पुत्र जीसान उर्फ अरमान प्राथमिक विद्यालय सराय फकीर नगर क्षेत्र बदायूं के स्कूल में कक्षा 4 छात्र है। जीसान अपने घर से स्कूल सुबह गया और वह स्कूल में अपना बैग रखकर एक टेम्पो में बैठकर कहीं चला गया। जब जीसान घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने जब स्कूल के टीचर मजहर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अरमान स्कूल सुबह जल्दी आया था और अपना बैग रखकर कहीं चला गया और फिर उसके बाद वह स्कूल नहीं लौटा। परिजनों ने कोतवाली में अपने बेटे जीसान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अचानक छात्र के लापता होने से अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि सरकारी स्कूल से एक छात्र के लापता होने की सूचना थाना कोतवाली दर्ज कराई गई है। इस मामले में टीचर और अन्य छात्रों से पूछताछ की गई है। टीमें बनाकर छात्र की तलाश कराई जा रही है और जल्द ही छात्र को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। ये साहब 4 तारीख को हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था और हमारे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी लड़की और उससे छोटी लड़की, उससे छोटा तीसरे नंबर जो लड़का और उससे एक छोटा लड़का और है, 2 लड़के और 2 लड़कियां मेरे पढ़ रहे हैं। ये बच्चा जो है कक्षा चार का छात्र है साहब। तो सुबह जाने के बाद शाम को हमको 3:30 बजे के लगभग जब बच्चों की छुट्टी हुई है तो हमारी एक लड़की जिसका नाम जोना फातिमा है उसने बताया कि पापा कि वो सर जी ने ये कहा है कि 11 बजे से बच्चा लापता है और नहीं आया है अभी तक स्कूल में, अपने माँ बाप से इसकी शिकायत करना जाके। जब बच्चे ने मुझे बताया तो मैंने 4 बजे तक इंतज़ार देखा और 4 बजे के इंतज़ार के बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। हमारा बच्चा जब स्कूल में गया था तो मास्टर साहब ने ये बताया कि उसने हमसे ये पूछा कि सर हम कोई चीज़ लेने जाएँ खाने वाली चीज़, तो हमने कह दिया जाओ, तो वो बच्चा चला गया। उसके साथ में एक बच्चा और था अर्जुन नाम का, इस बारे में हम नहीं कह सकते, वो स्कूल से ही गायब है। अब वो आप जैसा मास्टर साहब या बोर्ड समझे कैसा क्या हुआ इस मामले में हमको, हाँ हमें किसी पर शक नहीं। हमारा कितने दिन हो गए बच्चा गायब? ये 4 तारीख से, आज 6 दिन है सर। 4 तारीख थी, हमारे बच्चे 4 स्कूल गए थे और जब आज 6 दिन है, चीज लेने गया था बच्चा हमारे, बोले कि ना मासा हम चीज ले आए, अब चीज लेने गए तब से गई नहीं। दूसरा बच्चा कह रहा है चलो इधर से इधर चले, अब टेम्पो में बैठ गया। लग रहा है आपका कोई अपहरण हो गया बच्चे का? बच्चे तो हमें कुछ नहीं, इस पर तो हमें तो किसी पे शक नहीं लग रहा है अभी तो। फिर क्या कह सकता है, अभी कुछ पता भी नहीं चला उससे कि क्या नहीं मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा। कौन से क्लास में पढ़ता था? 4th क्लास में। हम कुछ भूलते जा रहे हैं। सर बच्चा जो है स्कूल खुलने से पहले आया और आने के बाद बच्चा जो है चला गया यहाँ से। एक बच्चे दूसरा बच्चा है एक स्कूल का, उसके साथ जो है लोग बच्चे दोनों टहलने निकल गए। कहाँ चले गए? ये बच्चा बता रहा है कि वो बच्चा वहाँ गया बाजार में कहीं पे गया, टेम्पो रोका चले गए। वो बच्चा स्कूल खुलने से पहले आया था, स्कूल समय से पहले। मैं लगभग आ जाता हूँ यहाँ पे 8:45 से पहले ही आ जाता हूँ, 8:30-9 तक मैं आ जाता हूँ। मैं आया हूँ, मुझे वो बच्चा नहीं मिला। ये एक बच्चा विद्यालय गया था, विद्यालय से ही बच्चा गायब हुआ है। इस विषय में तत्काल अभियोग पहले घर वालों ने उसके लिख के जो रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और उसके बाद उसमें अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस तत्परता से उसको सरगर्मी के साथ खोज रही है। विद्यालय वालों से बात हुई है, सहपाठियों से बात हुई है। आखिरी बार बच्चा जिस चौराहे तक देखा गया है, कुछ लोगों ने बताया कि संभवतः बच्चा किसी टेम्पो में बैठा गया है। उस रूट पर चलने वाले तमाम टेम्पो चालकों से बात की गई है, उसके परिजनों की जहाँ जहाँ रिश्तेदारी हैं वहाँ बात की गई है और शीघ्र ही उस बच्चे को अन्य विधियों का भी प्रयोग करके हम खोज लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।